गाइस वेलकम बैक दी चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है रमज़ान, रमज़ान शुरू हो चुके हैं और हमारे घर बहुत बहुत मज़े की चीज़ें बनेंगी क्योंकि आज दूसरा रोज़ा है। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको क्या बना। यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स बन रहा है, सैंडविच बन रहे हैं और बहुत सी चीज़ें बनेंगी हमारे घर। और कबाब, आलू के कबाब बन रहे हैं, ये स्लाइस तैयार हो रहे हैं। वाह कितना मज़ा आएगा, आज मौसम भी इतना अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ मौसम कितना प्यारा है ना, ये देखें इतना प्यारा है ना मौसम, बिल्कुल भी नहीं लग रहा रोज़ा आज हमें। तो मज़ा कर रहे हैं हम तो रोज़े का, है ना है ना सैफला, बहुत मज़ा आ रहा है ना। आज बारिश हुई, आज इतनी बारिश हुई है ना, मज़ा आ रहा है। क्या कह रहे हो? बहुत मज़ा आया आज हमें, हमें आज इतना सा भी रोज़ा नहीं लगा, कल भी नहीं लगा था लेकिन आज भी नहीं लग रहा। वहाँ पे दही बड़े बन चुके हैं, इतना मज़े के यहाँ पे तैयार होने वाले फोड़े हैं। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। मेरे से वीडियो भी अगर अच्छी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तैयार हो रहा हूँ और ये लड़की ना काम कर रही है। कोई काम ऐसे ढंग का नहीं हो रहा, ये बंद नहीं हो रहा इससे अभी तक, हो ही गया। मैं दिल चाह रहा खाने के, इतनी खुश ब्रेड कम तैयार हो रहा है। टिक्कियाँ आलू वाली जो है ना, आपको दिखाया था आलू, अब वो उबल रहे थे, बॉइलिंग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खुश होंगे और खैरियत से होंगे। और इरशाद जो है आपके साथ अब स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही है और अपनी ही मर्ज़ी से इसने ये सब कुछ बनाया है और छोटी छोटी क्लिप्स के साथ उसने आपको ये दिखाया है कि आज की रूटीन में हम लोग क्या बना रहे हैं अपने रमज़ान के लिए और रोज़ा इफ्तार करने के लिए। माशाल्लाह सबका रोज़ा है घर में, सब बच्चों का रोज़ा है और सब जो है आपके साथ छोटे छोटे क्लिप शेयर कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हौसला अफज़ाई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पे दाल, मेरी फेवरेट दाल है ये। चिंटे क्यों डाल रहे हो? बनी फातिमा गर्दा वतम लत कुनी वल कबूल मनोदस्त दामा ने आने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।